जय फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। आज फिर आपके लिए एक फायर सेफ्टी की वीडियो लेकर आया हूं। मेरे एक साथी ने, मेरे कैंडिडेट ने मेरे से कहा कि सर, एक वीडियो पंप रूम का जो प्रेशर स्विच होता है उसको एक वीडियो बनाइए। तो प्रेशर स्विच क्या होता है? प्रेशर स्विच एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जो पंप रूम में लगा रहता है, जो पंप को ऑटोमेटिक चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रेशर स्विच बोलते हैं। प्रेशर स्विच डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के होते हैं। मेरे पास जो प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ये डैम्पोर्स कंपनी का प्रेशर स्विच लगा हुआ है। और प्रेशर स्विच के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसके अंदर रेंज, एक होता है डिफरेंशियल। रेंज क्या होता है? रेंज होता है हमारा जितने प्रेशर पे आप इसको प्रेशर होल्ड कर रहे हैं, जितने प्रेशर पे पंप को बंद कर रहे हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। और डिफरेंशियल हम उसको बोलते हैं जितने प्रेशर पे हम अपने पंप को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी स्टार्ट प्रेशर को हम डिफरेंशियल बोलते हैं और बंद प्रेशर को हम रेंज बोलते हैं। और ये हर एक पंप का अलग अलग होता है। जितने भी पंप रूम में पंप लगे हैं, जोकी, हाइडेंट, स्प्रिंकलर, डीजी, ये हर पंप का अपना अपना सेपरेट होता है, अलग होता है। और यही पंप को ऑटोमेटिक चलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, इसको ही हम प्रेशर स्विच कहते हैं। ये पंप रूम में लगा रहता है, विशेष प्रकार का उपकरण होता है जो हमारा डिलीवरी हेडर निकलता है। डिलीवरी हेडर वाला जो सेक्शन हेडर है, सेक्शन हेडर के ऊपर जो हेडर लगा रहता है ये उस पर फिट रहता है। और जहां पे भी इसको फिट कर सकते हैं, डिलीवरी हेडर के ऊपर नीचे हम फिट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें पंप को ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए रेंज और डिफरेंशियल को सेट करना होता है। और ये बिल्डिंग की लंबाई के हिसाब से सेट किया जाता है कि आपकी बिल्डिंग का एरिया कितना है और इसकी हाइट कितनी है, उस एरिया से पंप रूम के अंदर प्रेशर को होल्ड किया जाता है। अगर आप फिर भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।